आज हमारे पास एक HP स्मार्ट टैंक 500 प्रिंटर आया हुआ है। इसमें दिक्कत डिफरेंट कलर का है कि प्रिंट आउट वो सही से नहीं दे रहा है। इसमें कोई कलर मिसिंग है जिस वजह से ये परफेक्ट कलर प्रिंट आउट नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हैं HP स्मार्ट टैंक 500 है, एक प्रिंटर ऑन है। हमने प्रिंट आउट मारा, एक डिफरेंट कलर निकला है। देखते हैं इसमें कार्टेज की समस्या है कि पाइप में इंक नहीं है। सबसे पहले प्रिंटर को खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि पाइप में इंक है कि हेड ही खराब है। चलिए इसको खोलते हैं। हमने प्रिंटर को ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसके पाइप को हम देखते हैं। ये प्रिंट में बहुत ज़्यादा डस्ट है। इसके पाइप को चेक करते हैं, पाइप में इंक दिख रहा है। हेड को थोड़ा खसकाएंगे, बीच में सेंटर में लाएंगे, पाइप में इंक दिख रहा है, इस वजह से पता चल रहा है कि इंक है। अब इसमें देखना पड़ेगा, हेड को बाहर खोल के निकालना पड़ेगा। हेड को चेक करते हैं, ये पुश करेंगे, ये लॉक छटक गया। ये कलर में दिक्कत दे रहा है तो कलर ही हेड की प्रॉब्लम है। हमने कलर हेड बाहर निकाल लिया। इसको चेक करने का तरीका है कि सादा कागज़ लेके इसके नॉब को उस पर टच करेंगे तो कलर अगर आ रहा है तो पेपर पे स्प्रे हो जाता है, जिससे पता चलता है कि कार्टेज सही है कि ख़राब है। ये हमने सादा पेपर लिया, इस पे हेड के नॉब को टच करेंगे। आप देख सकते हैं ये इंक निकल रहा है, इसमें मजेंटा और श्याम कलर आ रहा है और इसमें येलो कलर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि येलो कलर ना आने के वजह से ही यह प्रिंट डिफरेंट कर रहा है। अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं, हेड को खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर कुछ उम्मीद हो, संभावना होगा हेड खुलने का तो खुल सकता है। हमने सीरिंज से उस पर प्रेस किया हुआ है, इंक डालने की कोशिश किया कि हो सके आ जाए। अगर इंक नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमको नया हेड डालना पड़ेगा, तभी जाके यह समस्या सॉल्व हो पाएगा। तो इसका एक प्रिंट आउट चेक करते हैं कि आप देख सकते हैं हमने कोशिश किया तो थोड़ा बहुत येलो कलर आया हुआ है, उसके बाद से ये डिफरेंट कलर देने लगा। ये सक्सेस नहीं हुआ। अब देख सकते हैं हमने प्रिंट आउट मारा, ये स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत येलो दिख रहा है लेकिन स्प्रे नहीं कर रहा है। वो हेड की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो इंक प्रॉपर स्प्रे नहीं हो पा रहा है पेपर पे। आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर तीनों कलर देने लगा है। ये तीनों कलर एकदम साफ साफ देख सकते हैं आप। लेकिन फिर भी ये प्रिंट आउट नहीं करेगा, ये हेड की प्रॉब्लम है। इंक तो आ गया है लेकिन स्प्रे नहीं हो रहा है। चलिए एक बार फिर से लगा के कोशिश करते हैं। हेड को बैठाते हैं, इसको पुश करेंगे, इस कवर को क्लोज करते हैं, स्कैनर लगाते हैं। स्कैनर ग्लास के ऊपर पेपर को हमने रख दिया। चलिए प्रिंट आउट मार के चेक करते हैं। हमने स्टार्ट वाला बटन दबा दिया क्योंकि हमको कलर में ही डिफरेंट है, प्रॉपर कलर नहीं दे रहा है तो हमको कलर ही चेक करना है। अभी थोड़ा समय लेगा रेडी होने में। ये प्रिंट आउट ले लिया है, अभी देखते हैं बाहर कैसे प्रिंट आउट निकालता है।
ये प्रिंट आउट बाहर आ गया, ना ये डिफरेंट ही कलर मार रहा है। श्याम मजेंटा यही कलर दिख रहा है, ब्लैक से परफेक्ट प्रिंट आउट नहीं दे पा रहा है। ये हमने नया हेड ला दिया है, अब ये हेड डाल के चेक करते हैं। ये सील है, नए हेड में भी बहुत समस्या होती है, अगर हेड मैन्युफैक्चर फॉल्ट रहेगा तो वापस भी नहीं होता है। तो HP के हेड प्रिंटर में डालना बहुत बड़ा रिस्क होता है, सही निकला तो अच्छी बात है, ख़राब निकला तो रिप्लेस भी नहीं होगा। कंपनी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं लेती है कि हेड ख़राब है कि सही है, क्योंकि एक टेस्टिंग हेड होता है। चलिए उसको हेड को डालते हैं, फिर प्रिंट आउट चेक करते हैं। तो हेड को खोल लिया, आप देख सकते हैं सिल लगा हुआ है, नोक भी लगा हुआ है। हम सिल को उखाड़ देंगे, नोक को निकाल कर फिर उसमें कैरेज यूनिट में हेड को बैठाएंगे। ये हमने सेंटर पर ला दिया है कैरेज यूनिट को। अब हम जो ख़राब हेड है उसको बाहर निकालेंगे। ये ख़राब हेड है, ये नया हेड है जो अभी हमने परचेज किया है। इसको लगाते हैं, लगाने के बाद नोक को अच्छे से बैठा देंगे। लॉक पे बैठने के बाद अब ये एरर मार रहा है, प्रिंटर हमने बंद करके फिर से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने नया हेड लगाया इसमें। प्रिंटर ऑन हो गया है, अभी थोड़ा समय लेगा, उसके बाद प्रिंट आउट चेक करेंगे कैसा प्रिंट आउट दे रहा है। क्योंकि कभी कभी नया हेड भी ख़राब भी रहता है। प्रिंटर रेडी हो गया है, ये हमने स्कैनर ग्लास के ऊपर हमने पेपर लगा रखी है। फोटोकॉपी चेक करते हैं, कलर बटन दबा दिया है, ये प्रिंट आउट ले लिया हमने। ब्लैंक पेज भी लगा रखी है, अभी थोड़ा समय लेगा, प्रिंट आउट ले लिया है। ये पेपर खींच रहा है, देखते हैं हेड सही होगा तो एकदम परफेक्ट प्रिंट आउट देगा। इससे नया है, कोई डाउट तो नहीं है कि ख़राब होगा, लेकिन कभी कभी ख़राब भी निकल जाता है। ये सही है, फिर सही है दोस्तों, आप देख सकते हैं तब परफेक्ट प्रिंट आउट निकाला है। ये देख सकते हैं फोटो कॉपी सेम टू सेम निकला हुआ है। मैं आपको पेपर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये देख सकते हैं ये सही है, हेड सही है, प्रिंट आउट एकदम सही है। समस्या कलर कार्टेज का ही था, ये समस्या दूर हो गई है। चलिए एक फोटोकॉपी और चेक करते हैं कलर वाला। पेपर को लगाते हैं, कलर बटन दबा दिया,
थोड़ा समय लेगा, प्रिंट आउट बाहर निकाल देगा। ये हेड ओके है, इसकी समस्या कलर काटेज में था, जो कलर हेड था वही ख़राब था, इसमें एक ही कलर मिसिंग था येल्लो, जिस वजह से डिफरेंट प्रिंट आउट दे रहा था। अब वो समस्या दूर हो गई है, हमने नया हेड लगा दिया है, वो सही है। इस तरह की अगर समस्या आती है तो इसका यही मतलब होता है कि हेड ख़राब है, या इंक में पाइप में इंक ना होने की वजह से भी ऐसी समस्या आ जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये प्रिंट आउट निकल रहा है, प्रिंट क्वालिटी सेम टू सेम है। इसमें सारे कलर हैं जो फोटो कॉपी ये हमारा प्रिंटर ओके है दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसको प्रॉपर कसते हैं, ये ईरट की लाइट जल रही है, ये इसका इंडिकेटर का मतलब है कि अभी ये कवर बंद नहीं हुआ है। प्रिंटर को प्रॉपर स्क्रू लगा देते हैं, फ्रंट की तरफ दो स्क्रू होते हैं, हमने इसको कस दिया, हमने कवर बंद कर दिया। आप देख सकते हैं प्रिंटर रेडी हो गया।